भैया सुधा दूध का जो प्रोजेक्ट किधर है? आ गया है। Hey guys, मैं हूं अमरदीप, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ए यादव ब्लॉग्स में। तो आज का जो वीडियो है बहुत स्पेशल वीडियो है, जो 12th पास हो गए हैं बायो से हैं उसके लिए बहुत नॉलेजफुल वीडियो, और जो बायो से नहीं है उनके लिए भी नॉलेजफुल वीडियो। तो आज मैं जहां जा रहा हूं वो है पटना का फार्मा कॉलेज। पटना में ऐसे 7 कॉलेज हैं मगर 7 सब में तो जा नहीं सकता, मैक्सिमम 3-4 में मैं जाऊँगा, पूछूँगा कि कोर्स की कितने फ़ीस लेते हैं, क्या है एग्ज़ाम का मतलब एग्ज़ाम कैसे लिया जाता है, उसमें पहले उस कॉलेज में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करना ज़रूरी है या डायरेक्ट डोनेशन से एडमिशन होता है, तो और कितने फ़ीस लगते हैं, साल में लेते हैं महीने में लेते हैं, कितना फ़ीस लगता है हर मंथ या हर ईयर के हिसाब से, मैं उस सब के बारे में पूछूँगा डायरेक्ट जाके कॉलेज में और पता लगाऊँगा। और आप सब भी अगर 12th पास करके अगर फार्मा कॉलेज पटना में ढूंढ रहे हैं तो ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो, ये वीडियो को आप देख लें, जहाँ एड्रेस मैं जहाँ जा जाऊँगा उसका एड्रेस देख लें, और एड्रेस के मदद से आप भी उस कॉलेज में जाके पता लगा सकते हैं। और सबसे अच्छा कौन सा कॉलेज है वीडियो के लास्ट में मैं बताता हूँ ये कौन सा कॉलेज में आपको जाना चाहिए। चलिए यहाँ से वीडियो स्टार्ट करते हैं। आगम कुआं के लिए तो उसको का इंतजार करते हैं, फिर देखते हैं कितना देर में आता है। से फिर मैं नीचे जाऊंगा, और नीचे जाने के बाद सीधा बोला है जाने के लिए जहां सुधा डेयरी का प्रोजेक्ट है, डेयरी प्रोजेक्ट वहां तक जाना है, तो वहां आगे चलता हूं फिर बताता हूं कितने देर में पहुंचा। भैया सुधा दूध का जो प्रोजेक्ट किधर है? आगे है। कितना दूर लगेगा? ऑटो लेना होगा? ऑटो भी लेना पड़ेगा, ऐसे पैदल भी जा सकते हैं, हल्का आगे भी है तो, और उससे भी आगे है। आगे है मतलब? तो मैं अभी कॉलेज के ठीक बाहर खड़ा हूँ, और मैं पहले आया था स्कूल से आया था ऐसे करके, स्कूल के उस साइड से आया था, तो उस साइड से ऐसे ऐसे आया तो मैं वो अब आगे निकल गया था, तो फिर मैंने गूगल मैप में भी देखा, एक दो बताया वो सबको पता ही नहीं, और बल्कि 140 मीटर दूर था, तो फिर मैंने गूगल मैप देखा रिटर्न बताया, फिर मैं यहाँ ठीक यहाँ पे आ गया हूँ, और देखता हूँ अंदर अभी जाने देते हैं कि नहीं देते हैं। मुझे तो लग रहा बंद होगा कॉलेज, मगर देखते हैं अंदर जाने देते हैं कि नहीं देते। कॉलेज के अंदर गया, जानकारी ली मैंने क्या होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम का, तो कॉलेज आज बंद था, महावीर जयंती है इसके वजह से बंद था, तो मुझे कल दोबारा फिर आना पड़ेगा ऐसे। ये तो पक्का एंट्रेंस एग्ज़ाम लेंगे, उसके बाद ही आपका एडमिशन हो सकता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा और अभी होगा या हो गया है वो पता आप कल चलेगा। और ऐसे एक बात है, पूछ रहा था मैं कि एड्रेस पूछ रहा था एक भैया से जो आपने पिछले वीडियो में देखा, तो वो बोल रहे उसमें से जो अंदर दुकान वाले भैया थे ना वो बोले ब्लॉगिंग कर रहे हो क्या, तो समझ सकते हो ब्लॉगिंग मतलब पता दुकान वाले को पता है तो और सबको भी बहुत ब्लॉगिंग का पता चली होगा,
तो यही मेरे को देख के खुशी हुई कि ब्लॉगिंग कर रहा है, बड़ा अच्छा लगता है भाई सुनने में। यूट्यूबर है वो ऐसे पूछते हैं ना, वो अच्छा। एक भैया तो मेरे पीछे पीछे आए रास्ता बताने के लिए, तो कुछ थोड़ा अच्छा सा लगता है कि यूट्यूबर बनने पर। ऐसे कोई और दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिर कल कॉलेज आना पड़ेगा, मैं पूछ के जाऊँगा कि कितना एडमिशन कब है सर, और फॉर्म है या वो भरा गया है या अभी और बाकी है। तो जो भी क्लियर डाउट है कल अब सर मिलेंगे तब। वैसे अभी वहाँ के एक वॉचमैन हो या कोई भैया उसने मुझे बताया था, तो कल फिर आता हूँ बताता हूँ फिर पक्की जानकारी आपको। तो ये कॉलेज जो बंद है, तो मेरे को लगता है और भी जो फार्मर्स वाले हैं तो वो बंद हो गए, वहाँ जाना बेकार ही है। तो आज नहीं कल फिर जाऊँगा सब जगह वहाँ पर पूछ लूँगा, कल फिर आऊँगा पहले यहाँ पर, फिर उसके बाद पूरा क्लियर करके डाउट तो फिर आगे कॉलेज में बढ़ूँगा। और ये मेरे पीछे में जो है ये अगम कुआँ, इसी के नाम पे धरा गया है, ये मंदिर है। और ये इसका पानी सूखता नहीं है और बहुत पानी इलाज में आते हैं काम। तो इसके लिए स्पेशल एक वीडियो बनाऊँगा इसका भी आगे जब मौका मिलेगा। तो ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। और लाइक अच्छा लगा तो लाइक पक्का कर दो और कमेंट कर दो और वीडियो शेयर करो और सब्सक्राइबर भाई ऐसे ही बढ़ते रहे। तब तक के लिए धन्यवाद, हम मिलेंगे हम सब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। मैं यहीं पे उतरा था, फिर उसके बाद नीचे से चलते चलते ये पुल के लास्ट तक मैं गया था। और लास्ट तक जाने के बाद मैं फार्मा कॉलेज में गया था। और नीचे ट्रेन जा रही है, शोर मच रहा होगा।